तो पहला बदलाव हजारी पान से होगा, हजार बाबों के सहन। टिकट लेने वाले हम लोग होते हैं, टिकट जनता लेगी, जनता लीडर चुनेगी, जनता वोट भी देगी, जनता नोट भी देगी और अपना लीडर जनता चुनेगी। आप ट्विटर में हत्या कीजिए कि हजारीबाग आगे बढ़ना, सो हजारीबाग को होना चाहिए। आप फेसबुक में कीजिए, आप सभा करके कीजिए, आप कहिएगा वही होगा। हम लोग व्यवस्था में बदलने जा रहे हैं, हम लोग थोपने नहीं जा रहे हैं। जो हजारीबाग की माटी से चीर कर आवाज आएगी, उसी आवाज पर हम लोग अमल करेंगे और उसे यहाँ से एमपी बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा जो जनता की आवाज। यही नहीं, जो भी पॉलिसियां बनेंगी, राज्य में बने या केंद्र में बने, अगर छात्र के लिए पॉलिसी बनेगी तो छात्र के बीच वाइट कार्ड बनेगी। अब पॉलिसी बनाएंगे जो लोग कभी हॉस्टल का दर्द समझता नहीं है, जो लोग कभी 15 किलोमीटर साइकिल चलाया नहीं है, जो लोग कभी सुबह 3 बजे फोन उठकर पढ़ा नहीं है, चाबी का चम्मच लेके आया हुआ यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा और गुरु जी के पुत्र हेमंत सोरेन, गुरु जी ने संघर्ष किया है, हेमंत बाबू अगर संघर्ष किए होते तो आज स्टूडेंट सड़क पे नहीं होते और हम लोग युवा पढ़ने वाले लीडरशिप के लिए नहीं आते। इसलिए चूंकि आज स्टूडेंट की अगर बात करनी है तो स्टूडेंट से पूछिए, हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को चिट्ठी जारी कीजिए, जैसे आप वीडियो को जारी करते हैं, जिस प्रकार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के लेटर से लेटर जारी होकर तमाम वीडियो को हम लोग तमाम छात्रावास में स्टूडेंट को भेजेंगे, तमाम छात्र इकाई को भेजेंगे कि हम लोग अमुक तिथि को छात्रों को लेकर कैबिनेट बुला रहे हैं, आपका प्रस्ताव क्या है, आप क्या चर्चा करते हैं, उस चर्चा को प्राप्ति कीजिए और आइए। जितने भी प्रतिनिधिमंडल है, छात्रों की बात होगी तो गांधी मैदान और सुपोष मैदान में होगी और प्रक्रांति सुबह सुबह 4 बजे होगी। जिस समय छात्र जगता है उसी समय सभी विधायक को जगाएंगे, उसी समय सभी सचिव को जगा के गाड़ी में भर के गोल्फ मैदान गांधी मैदान लेके आएंगे और बोलेंगे अभी नियम बना, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, छात्रों का नियम एसी में बैठ के बनेगा, ये शुरुआत होगी। कोई नियम जो भी एमपी एमएलए बनेंगे 2024 में नहीं बन पाए तो कोई नियम नहीं बनाएगा, वो पूछ के बनाएगा, छात्रों के लिए नियम बनेगा तो छात्रों से पूछ के बनाएंगे, जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जो हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जो ग्रुप स्टडी करते हैं, जो गांव में पढ़ते हैं या शहरों में पढ़ते हैं, पढ़ने वाले छात्रों से पूछ के नियम बनेगा। यदि विस्थापन नीति बनानी हो तो यूपी बिहार वालों से पूछ के बनाएंगे, क्या चिंता जमीन ही नहीं है, विस्थापन नीति बनानी हो तो गोंडल पूरा बड़का गांव के लोगों से पूछ के बनाई जाएगी, जो विस्थापित कर दर्ज रखे हैं धरवार बोकारो के कोयला खदानों के लोगों से पूछ के बनाएगी, जिन्होंने अपने पाप दादा की 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन फैक्ट्री को दिया है, उनसे पूछ के बनाई जाएगी विस्थापन नीति, कृषि नीति बनाई जाएगी। तो क्या ऐसी पंखे में जी नहीं, किसान का संघर्ष कब होता है, जेठ की दोपहरी में जब हल लेके खेतों में निकलता है, जेठ की दोपहरी में सभी विधायक को खेत में बैठा के पॉलिसी बनेगा, कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं, जैसा किसान धान उगाता है और जरूरत पड़ेगा तो सावन महीना में कादा खेत में लेके कादा में बैठा के पॉलिसी बनेगा। बिल्कुल हम वीडियो पर रिकॉर्ड रखते हैं, अगर हम भीड़ से अगर कोई विधायक चुन के जाता है, समस्या विधायक के दरबार में नहीं, जरूरत पड़ा तो कादा खेत में, जैसा किसान बैठा है बल्कि पी दिए बैठाएंगे कादा खेत में बैठाएंगे। इसलिए इस संकल्प सभा में जितना धन जुट ले, यहाँ संकल्प लेके जा, यहाँ संकल्प लेके जा।
2024 में जिस विषय में झारखंड के लोगों को दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, उन विषयों को जो जानता हो, जो समझता हो, वैसे ही एमपी एमएलए चुनेंगे। इस बात का संकल्प आज गांधी मैदान में आपको लेके जाना, गांधी यानी संकल्प। आज गांधी मैदान से तमाम लोग जो आए हैं उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि झारखंड की रूपरेखा क्या होगी, 24 में क्या होगा, और उन्हें बताना होगा कि आज जो संख्या गांधी मैदान में है इनका औकात इतना है कि विधानसभा और लोकसभा इकाज को फेंक सके, एक नहीं दर्जन। इसलिए आज यदि हजारीबाग में शुरुआत होगा तो यकीन मानिए वो आग चक्रा भी जाएगा, क्योंकि चक्रा में भी अन्याय है। और सुनने में आया चक्रा भी एक ऐसा लोकसभा है जहाँ आज तक चक्रा करके सांसद बना ही नहीं है। यदि आए हैं तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस भले क्यों ना कीजिए, अपमानित महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपमान ही प्रतिशोध लेती है। और पूछना तो किसी स्त्री से पूछिए, इसलिए चतरा के लोग कुलपति ने पूछा है ना, इसलिए चतरा के लोग यदि आपको अपमानित लगता है तो लगने दीजिए, फेस पहुंचना है तो पहुंचने दीजिए। आज प्रतिशोध की बात है, चतरा में भी बदलाव होना चाहिए। मुआ ना चल तो बाहरी सांसद ना चल तो। उतार के जाते हजारीबाग से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का ये गढ़ है। एनटीपीसी का जुल्म आपने सुना, त्रिवेणी संगम का जुल्म आपने सुना, तमाम बड़का गांव गोमतपुरा का जुल्म आपने सुना। अब चुकी आज जिस प्रकार भारत इंडिया भारत पर होता है, हिंदुस्तान होता है, उसी प्रकार 2000 ये जो टाइम है 2019 के बाद भारत को एक नया नाम है। कौन लोग जानते हैं भारत को नया नाम? अडानी नहीं जानते हैं? अरे पढ़े लिखे नौजवान नहीं जानते हैं तो बाकी लोग कैसे जानते हैं? हर सेम एकदम सेम INDIA इंडिया, उसी स्पेलिंग है, लगभग ADANI एकदम सेम है, कोई नया वर्ड नहीं है। यानी घुमा फिरा के इंडिया से अडानी हो गया है। कैसे बताते हैं बताना जरूरी है, बीजेपी का गढ़ है बताना जरूरी है। गोड्डा में जो पावर प्लांट उसका कोयला कहां से आता है जानकारी है? शायद ऑस्ट्रेलिया से, बराबर ऑस्ट्रेलिया से आता है कोयला, ऑस्ट्रेलिया से आता है। डिपूट होता है गोड्डा में, बिजली बनता है गोड्डा में, जमीन है गोड्डा का और बिजली का प्रोडक्शन जाता है बांग्लादेश। लॉजिकली समझिएगा, थोड़ा सा एक थोड़ा दिमाग थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिए, बाकी मोदी जी को दे दीजिए हमारे जाने के बाद। एक थोड़ा जगह जाते हैं, आपके दिल में हमारा बहुत जगह है, आपके दिमाग में एकदम माइक्रो सेंटीमीटर मिली सेंटीमीटर से नीचे जगह चाहते हैं कुछ बात रखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से यदि दूरी को नापा जाए तो मुझे लगता है 200 250 300 किलोमीटर दूर होगा गोड्डा बांग्लादेश की तुलना में। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा कि भारत आएगा? बांग्लादेश आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस हिस्सा में है बांग्लादेश उस हिस्सा में पहले है। यानी यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा ना कि झारखंड आएगा? सिंपल सा फंडा है, यदि कोयला ऑस्ट्रेलिया का लेना था और बिजली प्रोटेक्शन अगर बांग्लादेश के लिए करना था तो जमीन बांग्लादेश की लेते। एक सेकंड हमको जगह दे दीजिए, दिमाग में सारा भूत उतार देंगे कि जमीन आपको बांग्लादेश का लेना था। आप भले बांग्लादेश को गाली दीजिए, आप भले इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कीजिए, बांग्लादेश आपसे झारखंडियों से बचाना है। बिजली लिया एक बेटा जमीन, एक जमीन नहीं दिया। क्यों? पोलूशन, पोलूशन CO2 NO2 SO2 आपसे तो चमाक है। जब पाकिस्तान का टमाटर हाई हुआ था पूरा इंडिया में बवाल था, इंडिया में भी हो गया है, इंडिया में भी हो गया है। कहा है मीडिया लोग? एक बार पाकिस्तान में यदि आतंक है तो हम आतंक का दुश्मन है, बाकी दुनिया के किसी देश का किसी राज्य का हम शत्रु नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग होके क्यों मरेंगे भाई?
मैं भी इंसान रहते हैं, पाकिस्तान में बढ़ती हुई टमाटर से हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत का जीडीपी बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत के नौजवानों को रोजगार मिले, तब खुश होना चाहिए। हम खुश होते पाकिस्तान का टमाटर बढ़ा है। टमाटर आतंकवादी लोग भी टमाटर नहीं खाता है, वो लोग तो फोन पीता है। गरीब आदमी